हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरबीएस। तो आज का हमारा वीडियो टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर होगा। अभी तक के हमारे वीडियोस तीन आ चुके हैं, जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हाट इज लिविंग, और तीसरा हमारा वीडियो रहा था जो हमारा लेटेस्ट था वो था हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो भाई चालू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको भाई सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। उससे क्या होगा कि आपको हमारे चैनल से एक तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, और उसका जब नोटिफिकेशन बेल आएगा उसे जरूर दबा देना ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स जल्दी से मिलते रहे। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो जो है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो हमारा सबसे पहली बात आती है वो आती है स्पेसिमेंस के बारे में। यह हमें जानना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि एक तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिलाता है हमें इस चैप्टर से। ठीक है, तो हमारे सामने एक पैराग्राफ आया है, उसे जरा पढ़ लेते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री एंड जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। ये लाइन पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद रखना है कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज हैं, किसकी, प्लांट की और एनिमल की, ये क्या हेल्प करती हैं, किसके लिए यूजफुल होती हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री और बायो रिसोर्सेज को जानने में और उसकी डाइवर्सिटी को पहचानने में। ठीक है, चार टाइप मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा फॉरेस्ट्री, तीसरा इंडस्ट्री और चौथा आपका नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डायवर्सिटी। ओके, तो ये जो स्टडीज हैं ये रिक्वायर करती हैं करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिक स्टडी में हमको करेक्ट क्लासिफिकेशन चाहिए किसका, ऑर्गेनिज्म का। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन चाहिए किसका, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो होता है हमारा वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे लेवर्स की हमें जरूरत होती है, उसमें हमें फील्ड स्टडी करनी पड़ती है। मतलब आप समझ सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला हो सकता है, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है आइडेंटिफिकेशन में, और हो सकता है कि कभी हो ना ये, हो भी जाता है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, इसलिए उसे हम अभी क्लासीफाई नहीं कर पाते। अभी बहुत सारी ऐसे स्पीसीज हैं, अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नहीं जानते, जो हमारे लोकल में है। लेकिन तो हमने क्या देखा कि जो आइडेंटिफिकेशन है उसके कारण अभी तक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोग अभी तक क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं वेरियस कैटेगरीज में। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में अभी तक हम नहीं जानते, उससे हम अनजान हैं। लेकिन जब हम उन्हें जानेंगे हो सकता है कि आगे डाइवर्सिटी और बढ़े। अभी कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन की है, इतने तो ऑर्गेनिज्म जनरली नहीं होंगे, इससे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें अभी हम जानते नहीं। तो ये हमारा एक तरीके से नेचर है, पूरा नेचर इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि आप बिल्कुल उस पर बिलीव करें, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नेचर बनाया गया है हमारे भगवान के द्वारा। ठीक है, और आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। अब यहां पर बात आती है स्पेसिमेन, यहां पर निकल के आता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन होता क्या है मैं आपको जनरली बता देता हूं। स्पेसिमेन का मतलब होता है एक नमूना, मतलब कुछ पार्ट है, कोई प्लांट है, उसको हमने काटा और रख लिया और अपने घर में रख लिया, एक तरीके से उसका एक नमूना है ये, उस प्लांट का कोई पार्ट है वो हमारा नमूना हो गया। मतलब हमें समझना क्या है, वो प्लांट को हमने काट के क्या किया, प्रिजर्व करते हैं ज्यादातर लोग बाग। तो स्पेसिमेन को अभी हम पूरा समझेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का कलेक्शन किसके, प्लांट के भी होते हैं और एनिमल के भी होते हैं। मतलब कि पूरा एनिमल रखना चाहते हैं, पूरा एनिमल रखना पड़ता है कलेक्शन के लिए, पूरा प्लांट रखना पड़ता है या फिर प्लांट की एक लीव रखनी पड़ती है, तो ये होता है स्पेसिमेन। ठीक है, एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल, वो एसेंशियल है, कलेक्शन करना एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, और वो प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। ये बात दिमाग में डालनी पड़ेगी क्या, कि जो स्पेसिमेन का कलेक्शन है ये बहुत जरूरी है और प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडी का, प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडी का। देयर आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। तो ये जो स्पेसिमेन होता है ये ट्रेनिंग सिस्टमेटिक्स में ट्रेनिंग करने के भी काम आता है। ठीक है,
इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये यूज होता है क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनिज्म के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, यानी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए. इंफॉर्मेशन गैदर करना ही एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, उसे आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में जानना. वही बात यहां पर इसने कह दी कि स्पेसिमेन से हम लोग उसके बारे में जान सकते. इन सम केस स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडी. कुछ कुछ केसेस में स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर दिया जाता है फ्यूचर स्टडी के लिए. ठीक है, आगे का देख. तो अभी यहां पर वही बात कही गई है कि अब हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में. इसमें जो कहा है वो भी देख लेते हैं. बायोलॉजिस्ट हैव स्टेबलाइज्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस. तो हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर्स अपनाए, बहुत सारी टेक्निक्स लगाई. किसके लिए? प्रिजर्व करने के लिए इंफॉर्मेशन को, यानी कि स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए. Some of these are explained to help you understand the uses of these aids. तो बहुत सारे aids हैं, उन्हें हमें बताया गया है, दिखाया गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे. What is taxonomic aid? Taxonomical aids. ये क्या है? Taxonomical aid क्या है? Taxonomical aid are the collection of samples or preserved organism. मतलब specimens का collection करना क्या है? Taxonomical aid. एक स्पेसिमेन का कलेक्शन करना टैक्सोनॉमिकल एड है. एक नहीं, कितने भी कलेक्शन करना है हमें, कलेक्शन करना है, ये बात ध्यान रखना है. ओनली स्पेसिमेन को इकट्ठा नहीं करना, सॉरी, ओनली स्पेसिमेन को हम टैक्सोनॉमिक एड नहीं कहेंगे. टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब है कलेक्शन करना स्पेसिमेन का, जो क्या करें, जो हेल्प करते हैं एक्सटेंसिव रिसर्च में और आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत सारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, है ना. तो अब बात करते हैं सीधे कि जो एड्स हमें जितने पढ़ने हैं वो हमारी स्क्रीन के सामने है. देखिए, पहला है हर्बेरियम, ये हमें पढ़ना है. दूसरा बायोलॉजिकल गार्डन, ठीक है. तीसरा हमें पढ़ना है म्यूजियम. चौथा हमें पढ़ना है जूलॉजिकल पार्क. पांचवा हमें पढ़ना है की. और छठे में ये तीन आते हैं, ये बहुत ही छोटे पार्ट में हम पढ़ेंगे, फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स. ओके, तो सबसे पहला चालू हो जाता है अभी इसी के साथ, हर्बेरियम. तो हर्बेरियम की बात जब हम चालू करते हैं तो हर्बेरियम होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है. तो हर्बेरियम जनरली एक स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का. किसका? प्लांट स्पेसिमेंस का. ये ध्यान रखना है, ये एनिमल्स नहीं रखे जाते इसके अंदर. ये क्या है कि एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर हम प्लांट स्पेसिमेंस को रखते हैं जो कि ड्राई किए जाए. पहले ड्राई कर लिए, यानी जो वेट प्लांट्स होते हैं उनको सुखा दिया और उन्हें प्रेस कर दिया एक तरीके से, उन्हें इस तरीके से बिल्कुल कागज के जैसा बना दिया, ठीक है, और उन्हें प्रिजर्व कर दिया सीड्स के अंदर. सीड्स के अंदर कैसे प्रिजर्व करते हैं वो भी अभी आपको दिखाया जाएगा. These specimens along with their description on herbarium seed become a स्टोर हाउस और repository for future use. तो ये जो specimens हैं, उनके डेस्क्रिप्शन के साथ हर्बेरियम सीट पर रखे जाते हैं. किस पर? हर्बेरियम सीट पर, ठीक है, जो कि क्या किया जाता है, जो कि बन जाता है कि स्टोर हाउस, या किसके लिए? स्टोर हाउस किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए. स्टोर हाउस को हम क्या कह सकते हैं? रेपोसिटोरी, मतलब भंडार घर, ठीक है. ये एक स्टोर हाउस बन जाता है किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए, आगे की जनरेशन के हिसाब से, यानी कि बाद के लिए यूज के लिए, ठीक है. तो द हर्बेरियम सीड ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम. मतलब ये जो पूरी लाइन है इसमें बताया गया है कि उसके अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन रखा जाता है, यानी कि केवल वो हर्बेरियम सीड के अंदर केवल स्पेसिमेन नहीं रखा जाता, उसके बगल में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. जैसे उसका बॉटनिकल नेम बता दिया, है ना, और इंग्लिश नेम बता दिया, उसका लोकल नेम बता दिया, उसकी फैमिली बता दी, है ना, और उसका क्या बता दिया, डेट बता दी कि कब रखा गया, और प्लेस बता दिया कहां पर रखा गया, और कलेक्टर का नेम बता दिया जो कलेक्टर उसे रखता है. तो हर्बेरा ऑल्सो सर्व एज अ क्विक इंफॉर्मेशन रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. तो क्या है इसका मतलब, ये है कि जो हर्बेरियम है
वो सर्व करता है क्विक इन्फॉर्मेशन को, क्विक इन्फॉर्मेशन को टैक्सोनॉमिकल स्टडीज पर, यानी कि इन्फॉर्मेशन भेजता है हर्बेरा किसको, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो अभी यहाँ पर हम हर्बेरियम के कुछ फिगर देख लेते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हर्बेरियम आ रहा है, तो ये जनरली किसकी सीट है, एक पेपर सीट है, पेपर सीट के अंदर वो घुसा दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक और हर्बेरियम आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छोटा सा लिखा हुआ था ना ये, उसका यहाँ पर बड़ा करके हमें दिखा दिया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी का है हर्बेरियम है, कहाँ का, मेलबर्न यूनिवर्सिटी का हर्बेरियम है। और हम देख सकते हैं कलेक्टर का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, ज्वेली है ना, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं, डेट ऑफ कलेक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। तो अब बात करते हैं हम सीधे बायोलॉजिकल गार्डन की। बायोलॉजिकल गार्डन क्या होते हैं, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, यानी कि उनके उल्लेख करने के लिए है ना, उनके उल्लेख करने के लिए कुछ ऐसे गार्डन्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर कलेक्शन किया जाता है लिविंग प्लांट्स का, नॉट फॉर लिविंग एनिमल्स, हियर इज ओनली प्रिजर्व्ड लिविंग प्लांट, यहाँ पर ओनली लिविंग प्लांट्स हैं और आप लिविंग प्लांट के अंदर ही रख सकते हैं, बायोलॉजिकल गार्डन के अंदर लिविंग प्लांट्स को ही रख सकते हैं, लिविंग एनिमल्स को नहीं रख सकते। तो फिर वो रखे क्यों जाते हैं, उनके रेफरेंस करने के लिए, यानी कि उनका उल्लेख करने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जनरली। तो प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, जो मैंने अभी आपको बताया वही बात है, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड, तो जितना भी प्लांट उसके अंदर होते हैं ना उन्हें लेबल किया जाता है, इंडिकेट करता है उसका बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम और साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी, ठीक है। तो जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो ऐसे क्यू, कहां पर, इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हमारे इंडिया में, हौरा कहां है, इंडिया में, और कहां पर है वो, हौरा में कौन सी जगह है, नेशनल बायो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और लखनऊ कहां है, इंडिया में। तो तीन चार इंडिया के हैं, एक इंग्लैंड का है हमारा क्यू। तो अब बात करते हैं सीधे अगले टैक्सोनॉमिकल एड्स की, जिसका नाम है म्यूजियम। तो बायोलॉजिकल जो म्यूजियम होते हैं वो जनरली सेटअप किए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, यानी कि स्कूल्स के अंदर और कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो म्यूजियम्स के अंदर क्या होता है भाई, कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट का साथ ही साथ एनिमल का। ये हमारा पहला ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड आया है जिसके अंदर हमारे एनिमल के साथ प्लांट आया है, वरना अभी जो हमने दो एड्स देखे थे, बायोलॉजिकल गार्डन देखा था, हर्बेरियम देखा था, उसके अंदर केवल प्लांट था, तो यहां पर हमारे साथ एनिमल आ गया, ठीक है। फॉर यहाँ पर म्यूजियम एज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, यहाँ पर भी रेफरेंस करने के लिए और स्टडी करने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन यहाँ पर प्रिजर्व किए जाते हैं कंटेनर्स में या फिर जार में, जिसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। और प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी रखे जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्स में, किसके अंदर, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और जो लार्जर एनिमल्स होते हैं उन्हें स्टफ किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। तो म्यूजियम्स के अंदर जनरली क्या होता है कि कलेक्शन होता है स्केलेटन्स का भी, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, जैसे आपने देखा होगा म्यूजियम्स के अंदर डायनासोर के स्केलेटन ज्यादातर मिलते हैं। तो अब जो अगली बात आती है वो आती है जूलॉजिकल पार्क, अगला टैक्सोनॉमिकल एड है हमारा जूलॉजिकल पार्क। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ये ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल, ओनली वाइल्ड एनिमल, आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है जूलॉजिकल, यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी किससे रिलेटेड है, एनिमल से। तो यहां पर क्या होता है, ये ऐसा प्लेस होता है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट किया जाता है यानी कि रखा जाता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, यानी कि सुरक्षित एनवायरनमेंट में,
ह्यूमन केयर के अंडर, ह्यूमन केयर के अंडर यानी कि ह्यूमन उसकी केयर करता है। और इससे हमें क्या है, इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे हम जानते हैं उनके फूड हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं जू में, वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, कंडीशन प्रोवाइड उन्हें, सॉरी उन्हें कंडीशन ऐसी प्रोवाइड की जाती है उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी, जैसे कि फिश एक तालाब में रहती है तो उसे तालाब जैसी ही जगह पर रखा जाएगा। जैसे कि हमारे टाइगर्स हैं, टाइगर्स बहुत ज्यादा वन की तरह में रहते हैं, है ना, जहां पर बहुत सारे पेड़ हों उन्हें वहीं पर रखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उन्हें उनकी नेचुरल हैबिटेट दिया जाएगा, नॉर्मल हैबिटेट नहीं दिया जाएगा, जैसे ह्यूमन रहता है, जैसे ह्यूमन रहता है ना शांत वातावरण में, वैसे नहीं रखा जाएगा, उन्हें उनके तरीके का हैबिटेट दिया जाएगा। चिल्ड्रंस जो होते हैं वो लव करते हैं इन पार्क्स में जाना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जूस भी कहते हैं। तो अगला हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है वो है की एक दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, किसका, प्लांट और एनिमल का, किसके बेस पर, सिमिलरिटीज के बेस पर और डिसिमिलरिटीज के बेस पर। तो ये जो कीज है वो बेस्ड होती है कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स में, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पेयर होता है, इसमें क्या होता है, एक पेयर होता है जिसे हम कपलेट कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो चॉइस होती है ना वो अपोजिट होती है, मतलब पहली चॉइस ऐसी आएगी कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए, दूसरी चॉइस ऐसी आएगी आप रिजेक्ट कर दीजिए। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लेबल, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं की के अंदर उसे हम लेबल कहते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस कीज आर जनरली एनालाइटिक इन नेचर। तो यहां पर कहा ये गया है कि जितनी भी कीज हैं वो सेपरेट होती हैं, जीनस के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग। तो मतलब जितनी भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग अलग की होती है, ठीक है। तो यहां पर अब हम की को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको बताया था कपलेट, कपलेट क्या होता है, कपलेट यानी कि इसके अंदर ऐसे होता है कि हमसे, हमने पूछा कि एक एनिमल है जिसकी स्किन ड्राई है, जिसकी स्किन ड्राई है या नहीं, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम कह सकते हैं लीड, इसको हम कह सकते हैं भाई लीड, इसको हम क्या कहेंगे, लीड, ठीक है। और ये जो हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं उसे हम कपलेट भी कहते हैं, दो चॉइसेस आती हैं, पहली यस में आंसर दीजिए, ठीक है, दूसरी नो में आंसर दीजिए, ठीक है, तो इसे हम कपलेट कहते हैं। तो यस वाला क्या है, एक्सेप्टेबल, नो वाला क्या है, रिजेक्टेबल। वही बात इधर भी कही है, देखिए एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है। तो अब बात करी जाती है जनरली कि कीज जो होती है ना वो जनरली एनालिटिकल होती है नेचर। तो जनरली की में क्या होता है कि पहले सबका हमें ढंग से उनके बारे में पता करना पड़ता है, पूरी उनकी बायोग्राफी हमें पढ़नी पड़ती है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। तो पहला लीड हमसे पूछा गया ड्राई स्किन है या नहीं है, अगर ड्राई स्किन नहीं है तो हम इस वाले ऑर्गेनिज्म की तरफ चले जाएंगे, अगर ड्राई स्किन है तो हमारा दूसरा लीड उत्पन्न होता है जो हमसे पूछता है उसके हेयर्स हैं या नहीं है, हेयर्स हैं तो, हेयर्स हैं तो हम दूसरे लीड की तरफ चले जाएंगे, अगर हेयर्स नहीं है तो हम लिजार्ड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और फिर हमसे पूछता है ऑपोजेबल थम्स है या नहीं है, अगर ऑपोजेबल थम्स है तो हम दूसरे लीड की तरफ चले जाएंगे, अगर ऑपोजिबल थंब नहीं है तो हम टाइगर की तरफ चले जाएंगे, मतलब कि वो टाइगर होगा। अगर फिर हमसे पूछता है बायपेडल है या नहीं है, अगर बायपेडल होंगे तो हमारा ह्यूमन होगा, अगर बायपेडल नहीं होंगे तो हमारा गोरिल्ला होगा, ठीक है। तो यही था हमारा की का, इसके आगे का देखते हैं। तो अब जो आने वाला है वो है फ्लोरा मैनुअल्स और मोनोग्राफ, मोनोग्राफ्स, ठीक है। तो
पहली बात ये आती है, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ एंड कैटालोजियस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कैटालोजियस हमें पढ़ाया नहीं गया, आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेस्क्रिप्शन, यानी कि कुछ अलग एड्स हैं और ज्यादा एड्स हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये हमें हेल्प भी करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में, कैसे देखते हैं। पहला फ्लोरा, फ्लोरा के अंदर क्या होता है कि एक एक्चुअल अकाउंट होता है हैबिटेट का और डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट का एक गिवन रीजन में, ठीक है, एक गिवन रीजन में प्लांट को उगाया जाता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है, इससे हमें पता चलता है उस प्लांट की स्पीसीज के बारे में, उस प्लांट की स्पीसीज के बारे में जो कि कौन से एरिया में, फ्लोरा से हमें यह पता चल रहा है कि वो प्लांट स्पीसीज कौन से एरिया में। मैनुअल्स दूसरा आता है, मैनुअल्स, मैनुअल यूजफुल होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मैनुअल्स यूजफुल होता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे इंफॉर्मेशन, जैसे नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, यानी कि नेम बताया जाएगा जो एक एरिया में, इधर आप ध्यान दें तो फ्लोरा में भी हमें एरिया पता चल रहा है कि उस एरिया में ये स्पीसीज रहती है, इस एरिया में ये स्पीसीज रहती है, और यहाँ पर हम, यहाँ पर भी हमें यही पता चल रहा है कि इस एरिया में ये स्पीसीज है, इस एरिया में ये स्पीसीज है। तो मेन बात क्या है कि इन दोनों में, फ्लोरा में और मैनुअल में, हमें ये पता चलता है कि इस एरिया में ये स्पीसीज है। और तीसरा मोनोग्राफ के बारे में हमको ज्यादा नहीं बताया गया है, जिसमें मोनोग्राफ और हमें जो बताया गया है वो ये है कि मोनोग्राफ कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन केवल एक टैक्सोन पर, ऑन एनी वन टैक्सोन, ठीक है। तो बस इतना ही हमारा फ्लोरा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ के लिए, और यहीं पर हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही शेयर करके अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को भेज दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।